फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन को शहरी ने थप्पड़ दे मारा। सिक्योरिटी अहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स समेत दो अफराद को हिरासत में ले लिया। सदर मैक्रॉन जनूबी इलाके के दौरे के दौरान कतार में खड़े लोगों से हाथ मिला रहे थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जिसने कमली वाले की शान में गुस्ताखी की वो ना यहाँ का रहा न वहाँ का। कैनेडा में दहशतगर्द ने मुसलमान पाकिस्तानी खानदान पर ट्रक चढ़ा दिया। चार अफराद शहीद, 8 साल का बच्चा अस्पताल में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मजम्मत, कहा पाकिस्तानी खानदान का कत्ल मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया की मिसाल है। कैनेडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, शदीद एहतजाज किया गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर की वाकई की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। मगरबी दुनिया को इस्लामोफोबिया का मसला हल करना होगा, ये मसला हल ना हुआ तो मुआशरे तकसीम हो सकते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में बयान, कहा कैनेडा में होने वाला वाकया दर्दनाक है। कैनेडा में कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी फैमिली से राबता किया, कैनेडियन पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। भारत से ताल्लुकात 5 अगस्त का इकदाम वापस लेने से मशरूत है, तब तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। पाक इंग्लैंड सीरीज के राइट्स भारतीय कंपनीज के पास हैं, ये सीरीज पीटीवी पर नशर नहीं की जाएगी। वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, पाकिस्तान में अमरीकी फौजी एयरबेस की मौजूदगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपना कोई फजाई अड्डा नहीं दे सकता। किसी लॉबी का हिस्सा हूं, ना ही मेरे कोई कारोबारी मफादात हैं। मेरी जिद्दोजहद हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ थी, क्योंकि हुक्मरानों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किसानों से गुफ्तगू, कहा हर सूरत माफियाज को खत्म करेंगे। बदकिस्मती से हर जगह माफिया बैठा हुआ है जो करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा है। माफिया चीनी महंगी बेचता था, टैक्स देता है ना किसानों को पैसा अदा करता था। वफाकी तरक्याती बजट में सिंध को नज़रअंदाज किया गया, दो पाकिस्तान ना बनाएं, सूबे से ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं। सिंध में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक पर बरहम, कहा कराची प्रोजेक्ट के नाम पर एक पैसा नहीं रखा। सिंध में 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 70% पैसा सिंध से जा रहा है, 25% हिस्सा दिया जाए। विफाकी बजट में सिंध को भरपूर हिस्सा मिल रहा है। पीपल्स पार्टी ने 1 इंच मोटरवे का नहीं बनाया, इस बार 90 अरब सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए रखे हैं। पंजाब की आबादी सिंध से दुगना है, पंजाब के लिए 93 अरब रुपए रखे हैं। असद उमर का वजीर आला सिंध को जवाब, गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध को तरक्याती मंसूबे ना देने की बात गलत है, सूबाई हुकूमत की ना अहली के बायस इस साल फंड्स लैप्स हुए। डहर की ट्रेन हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 65 हो गई। 12 मैयतें ताहाल वरसा के मुंतजर, 51 लाशें लवायकीन के हवाले कर दी गई। हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रैक के कमजोर हिस्से फिश प्लेटिंग के बजाय वेल्डिंग करके जोड़े गए, जोर पड़ने पर जोड़ टूट गया। मिल्लत एक्सप्रेस शुरू से ही खराब थी, फिर क्यों रवाना किया? घोट के हादसे के हम सब जिम्मेदार हैं। वजीर रेलवे का जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म, कहा रेलवे में बड़े पैमाने पर करप्शन है। अफसरान अदालतों से स्टे लेते हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इतने बड़े हादसे पर हुकूमत को कोई निदामत नहीं, वफाकी वज़रा ने इसकी जिम्मेदारी भी साबिक हुकूमत पर डाल दी। हुकूमत का मजीद 1 अरब डॉलर की कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला, समरी आज मंजूरी के लिए ECC इजलास में पेश की जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अब तक 25 करोड़ डॉलर मालियत की वैक्सीन खरीद चुके हैं, मईशत को बंदिशों से निकालने के लिए अवाम की वैक्सीनेशन जरूरी है।